मीरा भाईंदर शहर में कत्तल खाने का टेंडर निकाले जाने से हिंदू संगठनों ने मनपा के बाहर किया आंदोलन। कत्तल खाने का विरोध करने वालों का एक शिष्टमंडल मनपा आयुक्त से मिला। इस मीटिंग में मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन भी उपस्थित थी। मनपा आयुक्त संजय काटकर को दिया गया निवेदन। इस आंदोलन के बारे में हमने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का कोकण प्रांत का संयुक्त महामंत्री बीएल भरद्वाज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जो आंदोलन आज रखा गया था, इसमें हमारे यहाँ की आमदार जो मीरा भाईंदर की है, गीता जैन भी आई थी और माननीय आयुक्त जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये जन भावना का विषय है। और हमारे यहाँ एक सीनियर किसी चौकी के आए थे, उन्होंने भी बोला कि ये रद्द होना चाहिए, चूँकि ये बंद अगर नहीं हुआ तो ये दिन पे दिन आंदोलन इसी तरह से बढ़ता जाएगा और हमें शासन के हमारे लिए बहुत दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है हमें लोगों के प्रति, यानी कि ये डेली आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई रोकथाम किया जाए और अपने सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनके साथ न्याय मिले, यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी आप सभी के माध्यम से आह्वान करना चाहता है कि जिस तरह से 40 करोड़ रुपया भूचड़ खाने में पास किया जा रहा है, कुछ दिन पहले ही गौ माता की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माता का दर्जा दिया है, तो आपको भी पता है भूचड़ खाने में क्या होता है। भूचड़ खाना एक दिखावा रहता है लेकिन अंदर कितने गाय माता का हत्या होती है, ये कोई देखने जाता नहीं है ना किसी को जाने दिया जाता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इतना प्रचार प्रसार करिए पूरे महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में इसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से गूंजनी चाहिए। उसके सभी आप लोगों से निवेदन है कि इसका जोर पूरा जी जोर से प्रचार प्रसार कराइए। इसके लिए धन्यवाद। जय श्याराम। यही तो समझने की विषय है, यही समझने की विषय है। ये नहीं होना चाहिए कि जिस सरकार से हमें इतनी अपेक्षा है हिंदुत्व के लिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा दिखा रहा है, इससे दूर होना चाहिए। मैंने आपको एक बार यही बोला, चाहे कोई भी हो जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एवरीथिंग, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी स्टेट हो, हिंदुत्व की सुनी जाएगी, वही हिंदू उनके साथ में खड़ा रहेगा, संगठन खड़ा रहेगा। मैं वही चीज़ तो आपको बताया, दोहरी राजनीति की ही बात की है। जब अगर जिस अगर महाराष्ट्र सरकार में गौ माता का कुछ दिन पहले ही राष्ट्र माता अपने गौ माता का महाराष्ट्र माता का दर्जा दिया गया, कुछ दिन के पास ये जीआर भूचड़ खाने का पास किया जाता है, ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है। और अगर ये चीज़ अगर सुनी नहीं गई तो अभी ये नहीं है, देश में ये आंदोलन फैलेगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक आवाज़ नहीं रहने वाली है।